दिल्ली में हिंसा के 4 दिन गुजर चुके हैं, 18 लोगों की मौत हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस सेंट्रल इंटेलिजेंस दोनों ही फेल क्यों रहे, पुलिस इतनी लाचार क्यों रही, पुलिस रही लाचार और सड़क पर दिखा है गोरिल्ला वार, अगर यह कहा जाए पिछले 4 दिन में बिल्कुल पूरी तरीके से जायज रहेगा। लेकिन मेरे सहयोगी बरखा आपको बताएंगी कि 4 दिन में क्या क्या हुआ है। बरखा हमें यह बताएं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले 4 दिन में 8 वो इलाके कौन से हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, आज वहां के हालात क्या हैं ये भी बताएं, वहां मेट्रो स्टेशन का हाल क्या है, स्कूलों का हाल क्या है, सड़क गली मोहल्ले से क्या क्या जानकारी मिल रही है इन 8 इलाकों की। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, ये तमाम 8 इलाके जो यहाँ पर हिंसा की चपेट में रहे हैं, देखिए 4 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस तरह मेट्रो स्टेशंस का आपने जिक्र किया है, जो 4 मेट्रो स्टेशंस बंद पहले किए गए थे उनको खोल दिया गया है और उसी के साथ साथ सीबीएसई की जो परीक्षा यहाँ पर होनी थी उसे भी रद्द करना पड़ा, कल ये जानकारी यहाँ पर दे दी गई थी। इसी के साथ साथ पूरा पूरा असर उन गली मोहल्लों पर पड़ रहा है जो इन तमाम इलाकों के अंदर आते हैं। पिछले आज 4th दिन है देखिए राशिद, कल की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ हुई है, वो लगातार जारी यहाँ पर रहा। उसके बाद जब एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर पहुंचे थे रात को दौरा करने के लिए, तो उसके बाद आज सुबह भी ये जानकारी आई कि उन्होंने अलग अलग समुदाय से जाकर बातचीत की है ताकि स्थिति को नियंत्रण में यहाँ पर रखा जा सके। लेकिन अभी यह खबर निकलकर सामने आई कि गोकुलपुरी में सुबह सुबह स्क्रैप मार्केट जो यहाँ पर रही उसमें आग लगाकर कुछ उपद्रवी जो है वो वहां से भाग निकले। ये कहा जा रहा था कि कैसे न कैसे करकर स्थिति को नियंत्रण में किया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी कि आज आगजनी ना हो, कहीं किसी जगह को आपके हवाले न कर दिया जाए। लेकिन आज भी गोकुलपुरी में कम से कम फिर से इस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं राशिद। अब देखिए जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनकी ओर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो जो पूरे हालात की जो जानकारी है देखिए वो प्रधानमंत्री को यहाँ पर दी जाएगी। उसी के साथ साथ आगे की रणनीति, भले ही बहुत देर हो गई है, देखिए ये सब जानते हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं, ऐसी स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई कि आगजनी।